राजू भैया, आपने सही बताया, ब्रेक लगाकर ही हम साइकिल को धीरे करते हैं या रोक लेते हैं। अच्छा आप ये बताइए कि आप किस किस वाहन में बैठकर सफर कर चुके हैं? टीचर जी, हम बस, साइकिल, मोटरसाइकिल और बैलगाड़ी में बैठकर सफर कर चुके हैं। अरे वाह राजू भैया, आपने तो बहुत सारी अलग अलग गाड़ियों में बैठकर सफर किया है। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको यहाँ पर लिखी हुई घटना को पढ़कर सुनाती हूँ, आप सभी ध्यान से इसे सुनिएगा। बच्चों, इस पाठ का नाम है टायर फटा। लीजिए मैं शुरू करती हूँ। प्रभात कक्षा में पहुँचा तो गुरुजी ने पूछा, प्रभात तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? प्रभात ने बताया, गुरुजी मैं साइकिल से विद्यालय आ रहा था, बाजार में मेरी साइकिल का टायर फट गया, बड़े जोर से फटाक की आवाज आई, लोग चौंक गए। एक टांगे वाले का घोड़ा टांगा लेकर सरपट भागने लगा, एक सब्जी वाले ने अपना हाथ ठेला रिक्शे से टकरा दिया, उसकी सब्जियां सड़क पर बिखर गई, कहीं कद्दू लुढ़का तो कहीं बैंगन, नीचे गिरे आलूओं पर पांव पड़ने से एक आदमी गिर पड़ा, सामने से आ रही बस के ड्राइवर ने जल्दी से ब्रेक ना लगाए होते तो कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती, मैं भी एक मोटरसाइकिल से टकराते टकराते बचा, एक बकरी तो उछल कर कार पर खड़ी हो गई। प्रभात की आखिरी बात सुनकर कक्षा में सभी बच्चे हंस पड़े। गुरुजी बोले, जब अचानक जोर की आवाज होती है तब सभी चौंक जाते हैं और डर जाते हैं, पर लगता है ये सब सुनकर सभी को बड़ा मजा आया है। क्या आप लोग इस घटना का चित्र बना सकते हैं? चित्र में कुछ बातें अपनी तरफ से जोड़ने की छूट रहेगी। सभी बच्चे चित्र बनाने लगे। सभी चित्र एक से बढ़कर एक थे। श्यामली का चित्र सबसे अच्छा था। बच्चे अपने और श्यामली के चित्र पर बातचीत करने लगे। अच्छा तो बच्चों, आपको ये घटना सुनकर कैसा लगा? टीचर जी, इस घटना में तो दुर्घटना होते होते रह गई। एक बार तो हम डर ही गए थे, लेकिन अच्छा हुआ प्रभात को कुछ हुआ नहीं। टीचर जी, हमें सावधानी से और धीरे ही साइकिल चलानी चाहिए। हाँ राजू भैया, हमें साइकिल चलाते समय भी और सड़क पर पैदल चलते समय भी पूरी सावधानी से चलना चाहिए। बच्चों, अब आप दो बार पेज पलटिए और पेज नंबर 48 निकाल लीजिए। जी टीचर जी, लीजिए। हमने पेज नंबर 48 निकाल लिया है, इसमें एक टेबल भी बनी हुई है। शाबाश राजू भैया, आपने सही पेज निकाला है। अब इस टेबल के ऊपर देखिए, कुछ वाहनों के नाम लिखे हुए हैं। क्या आप पढ़कर मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से वाहनों के नाम लिखे हुए हैं? टीचर जी, यहाँ पर मोटरसाइकिल, बस, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, कार, साइकिल और टांगे के नाम लिखे हुए हैं। शाबाश राजू भैया, आपने पहली लाइन में लिखे हुए वाहनों के नाम बताए हैं। इसके नीचे एक और लाइन में और भी वाहनों के नाम लिखे हुए हैं। क्या आप इनके नाम भी बता सकते हैं? जी टीचर जी, इसके नीचे वाली लाइन में लिखा है बैलगाड़ी, पानी का जहाज, ट्रक, स्कूटर, रिक्शा, हेलीकॉप्टर और नाव। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने बिल्कुल सही बताया। क्या आप ये बता सकते हैं कि ये सभी वाहन जिनके नाम आपने बताए हैं, ये क्या काम आते हैं? टीचर जी, ये सभी वाहन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए काम आते हैं, और इनमें सामान भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। बिल्कुल ठीक राजू भैया, आपने बिल्कुल सही बताया है। ये सभी वाहन जो आने और जाने के काम आते हैं, इनको यातायात के साधन भी कहते हैं। अच्छा टीचर जी, ये तो आपने नई बात बताई है। इसका मतलब हमारी साइकिल भी यातायात का साधन हुई। बिल्कुल ठीक राजू भैया, साइकिल भी और बाकी सभी वाहन भी जो आपने ऊपर पढ़े हैं ना, वो सभी यातायात के साधन कहे जाते हैं। अच्छा बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि ये सभी वाहन कहाँ पर चलते हैं? जी टीचर जी, बिल्कुल बता सकते हैं। टीचर जी, साइकिल सड़क पर चलती है, नाव पानी में चलती है, हवाई जहाज हवा में उड़ता है, और ट्रेन तो लोहे की पटरी पर दौड़ती है।
बहुत बढ़िया राजू भैया, बिल्कुल सही बताया आपने। अब आपको नीचे दी गई टेबल में इन सभी वाहनों के नाम अलग अलग डिब्बे में लिखने हैं। जैसे सबसे पहले डिब्बे में लिखिए लोहे की पटरी पर चलने वाले वाहन। टीचर जी, लोहे की पटरी पर तो रेलगाड़ी चलती है। लीजिए, हमने पहले डिब्बे में लिख दिया है रेलगाड़ी। शाबाश राजू भैया। अच्छा, अब आप दूसरे डिब्बे में लिखिए हवा में उड़ने वाले वाहन। जी टीचर जी, इसमें आएगा हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर। बिल्कुल सही राजू भैया। अब आप तीसरे डिब्बे में लिखिए पानी में चलने वाले वाहन। टीचर जी, इसमें आएगा पानी का जहाज और नाव। बहुत अच्छे। अब आप चौथे डिब्बे में लिखिए पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले वाहन। टीचर जी, इसमें आएगा तांगा और बैलगाड़ी। शाबाश। अब आप पांचवे और इस आखिरी डिब्बे में लिखिए सड़क पर चलने वाले वाहन। टीचर जी, इसमें आएगा मोटरसाइकिल, बस, कार, साइकिल, तांगा, बैलगाड़ी, ट्रक, स्कूटर, रिक्शा। बहुत बढ़िया राजू भैया, बिल्कुल सही बताया है आपने। आपके बॉक्स में लिख लीजिए। बच्चों सभी नाम बॉक्स में। चलिए अब बच्चों आप अपनी किताब का पेज नंबर पलटिए और पेज नंबर 49 निकाल लीजिए। जी टीचर जी, हमने पेज नंबर 49 निकाल लिया है। यहाँ पर सबसे ऊपर एक ट्रक का चित्र बना हुआ है। हाँ राजू भैया, आपने बिल्कुल सही पेज निकाला है। अब आप ट्रक के चित्र के ऊपर जो लिखा हुआ है उनको मिलाकर पहले अपने मन में पढ़िए और फिर उसे बोल कर पढ़िए। टीचर जी, यहाँ पर लिखा है ट्रक। शाबाश राजू भैया, आपने सही पढ़ा है। अच्छा, जैसे ट्रक शब्द में ट के नीचे र को लिखा गया है, ऐसे ही आप कोई और शब्द बता सकते हैं? जी टीचर जी, जैसे ट्रक शब्द में ट के नीचे र लिखा हुआ है, उसी तरह से ड्रम शब्द में ड के नीचे र लिखा हुआ है और ट्रेन शब्द में ट के नीचे र लिखा हुआ है। इसी तरह से ड्राइवर शब्द में ट के नीचे र लिखा हुआ है। अरे वाह राजू भैया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आप ये बताइए कि ट्रक के चित्र के पास में और किसका चित्र बना हुआ है? टीचर जी, ट्रक के चित्र के पास में एक लड़का हाथ जोड़कर किसी को प्रणाम कर रहा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया है। तो जो लड़का हाथ जोड़कर किसी को प्रणाम कर रहा है, उसके ऊपर क्या लिखा है? टीचर जी, यहाँ पर लिखा है प्रणाम। बिल्कुल ठीक। अच्छा बच्चों, जैसे प्रणाम शब्द में प के नीचे र को लिखा गया है, ऐसे ही कोई और शब्द बता सकते हैं आप? जी टीचर जी, प्रणाम शब्द में प के नीचे र को लिखा गया है, ऐसे ही ब्रेक शब्द में ब के नीचे र को लिखा गया है। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब आप और सभी बच्चे अपनी अपनी किताब का पेज नंबर 51 निकाल लीजिए और पेज नंबर 50 आप होमवर्क में करेंगे। जी टीचर जी। टीचर जी, हमने पेज नंबर 51 निकाल लिया है। ठीक है बच्चों, अब इस पेज में आप देखिए कि आमने सामने कुछ शब्द लिखे हैं। आपको पेन या पेंसिल से उनको जोड़ी के अनुसार मिलाना है। जैसे एक शब्द है छोटा, यानी इसकी जोड़ी का शब्द होगा बड़ा। अब आप इन दोनों शब्दों को पेंसिल या पेन से मिला दीजिए। टीचर जी, हमने दोनों शब्दों को मिला दिया है। शाबाश। अगला शब्द है गर्म। अब बताइए इसकी जोड़ी का शब्द कौन सा होगा? टीचर जी, इसकी जोड़ी का शब्द होगा ठंडा, इसीलिए हमने पेंसिल से इन दोनों शब्दों को मिला दिया है। शाबाश राजू भैया,
अब आप अगले सभी शब्दों को होमवर्क के रूप में करेंगे। जी टीचर जी। अब इसी पेज के सबसे नीचे वाले प्रश्न में दो वाक्य लिखे हुए हैं। उनमें एक शब्द की जगह खाली छोड़ी हुई है। प्रत्येक वाक्य को ध्यान से पढ़ते हुए सही शब्द को खाली जगह में लिखिए। ये दो शब्द हैं सुंदर और शीतल। तो बच्चों, पहला वाक्य है, पेड़ की छाया खाली स्थान होती है। बताओ इस वाक्य में कौन सा शब्द आएगा? टीचर जी, इसमें तो शीतल आएगा। फिर इसको पढ़ेंगे, पेड़ की छाया शीतल होती है। बिल्कुल ठीक राजू भैया। अब आप पेन या पेंसिल से शीतल शब्द को इस खाली जगह में लिख लीजिए। जी टीचर जी, हमने शीतल शब्द को लिख दिया है। अब आप दूसरे वाक्य, अपना घर सबको खाली स्थान लगता है, में कौन सा शब्द लिखेंगे? टीचर जी, इसमें तो सुंदर आएगा। और फिर इसको पढ़ेंगे, अपना घर सबको सुंदर लगता है। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने बिल्कुल सही बताया है। अब आप पेन या पेंसिल से सुंदर शब्द को इस खाली जगह में लिख दीजिए। जी टीचर जी। अब राजू भैया, आप अपनी किताब का पेज पलटिए और पेज नंबर 53 निकाल लीजिए। यहाँ पर आपको समान आवाज वाले शब्द को सामने बनी हुई लाइन पर बनाना है। जैसे एक शब्द है डाली, तो इसके लिए मैंने एक शब्द बनाया खाली, ठीक है? तो अब एक शब्द मैं बोलती हूँ, उसके जैसी आवाज वाला शब्द आपको बोलना है। शब्द है छोर। मोर। टीचर जी, इसके जैसी आवाज वाला शब्द होगा मोर। शाबाश राजू भैया, अब आप इस मोर शब्द को छोर शब्द के सामने लिख दीजिए। जी टीचर जी, हमने मोर शब्द को छोर शब्द के सामने लिख दिया है। बहुत अच्छा किया राजू भैया। अब अगला शब्द है खादी। दादी। टीचर जी, इसके जैसी आवाज वाला शब्द होगा दादी। बहुत बढ़िया राजू भैया, अब आप इस दादी शब्द को भी खादी शब्द के सामने लिख दीजिए। जी टीचर जी, हमने दादी शब्द को भी खादी शब्द के सामने लिख दिया है। बहुत बढ़िया राजू भैया, अब हम आज की पढ़ाई को यहीं रोकते हैं। लेकिन जाने से पहले ये दो काम आप जरा ध्यान से सुन लीजिए जो आपको करने हैं। पहला ये कि आपकी किताब के पेज नंबर 48 में सबसे ऊपर लिखे हुए दो प्रश्नों को करना है। दूसरा है कि पेज नंबर 46 पर दिए गए चित्र में कौन कौन सी चीजें दिख रही हैं? कोई सी भी 5 चीजों के नाम लिखना।